Right, we'll start with excretion and osmoregulation. Basically, excretion or osmoregulation, excretion and osmoregulation are pretty much correlated processes. Excretion and osmoregulation are pretty much correlated processes. Excretion, both are concerned with removal of waste. Okay? Excretion primarily deals with removal of waste. और ये रिमूवल ऑफ वेस्ट हमारे बॉडी में बहुत सारे टाइप्स के वेस्ट जनरेट होते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में, अलग अलग मेटाबॉलिक प्रोसेस में अलग अलग टाइप के वेस्ट जनरेट होते हैं जिनका रिमूवल बहुत ज़रूरी हो जाता है. ठीक है, और ऑस्मोरेगुलेशन इज बेसिकली मेंटेनेंस ऑफ आयनिक बैलेंस. ठीक है, ऑस्मोरेगुलेशन बेसिकली मीन्स मेंटेनेंस ऑफ आयनिक बैलेंस एंड बोथ आर प्रीटी मच कोरिलेटेड प्रोसेसेस. ठीक है, इसलिए हम इसको एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन दोनों एक साथ ही पढ़ते हैं. तो व्हाट इज रिमूवल ऑफ वेस्ट, बेसिकली अगर आप देखेंगे रिमूवल ऑफ वेस्ट जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज अ वेस्ट. वेस्ट इज एनीथिंग विच विल बिकम टॉक्सिक फॉर द बॉडी. ये बॉडी के लिए टॉक्सिक फॉर द बॉडी हो जाता है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इट बिकम्स टॉक्सिक फॉर द बॉडी. व्हाट इट मीन्स हियर इज अपने अपने टाइम पे कोई भी वेस्ट बॉडी के लिए टॉक्सिसिटी जनरेट करता है. ठीक है, तो इसके लिए इसका रिमूवल बहुत ही जरूरी है. ठीक है, वेरी मच नेसेसरी, टॉक्सिक वेस्ट इज वेरी मच नेसेसरी टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, ओके, सो डिपेंडिंग ऑन दिस वी हैव थ्री काइंड ऑफ वेस्ट. वेस्ट आर ऑफ थ्री टाइप्स. वन इज नाइट्रोजेनस वेस्ट. This will have nitrogen content in it. Okay, then we have carbon dioxide, which is of course removed by respiration. Okay, and then we have water, the one that we release through sweat and other things. Okay, so these are different types of waste. Nitrogenous waste. यहाँ पे जो हम वेस्ट रिमूवल की बात कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, दैट इज प्राइमरी कंसर्न विद नाइट्रोजनस वेस्ट. ठीक है, सो नाइट्रोजनस वेस्ट बेसिकली हैज नाइट्रोजन कंटेंट इन इट व्हिच नीड्स टू बी रिमूव्ड. ठीक है, सो थिंग्स दैट नीड टू बी एलिमिनेटेड आर वेस्ट मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, एंड अलॉन्ग विद इट एट टाइम्स व्हेन वी आर ऑन मेडिसिनल फॉर वेरियस एलिमेंट्स. ठीक है, फॉर वेरियस एलिमेंट्स व्हेन वी टेक मेडिसिन, these medicines also become toxic. After so most of the antibiotics, agar aap dekhenge bahut sare antibiotics hain and medicines mein hamare bahut sare chemicals hote hain which turn out to be toxic for the body. ye body ke liye toxicity generate karte hain. theek hai, after we are done with the process of getting treated, hamara treatment over hone ke baad ये सारे जितने भी केमिकल्स हैं, ये एंटीबायोटिक्स हैं, ये हमारे बॉडी में टॉक्सिसिटी जनरेट करेंगे. सो दे विल जनरेट टॉक्सिसिटी इन आर बॉडी. ठीक है, दे नीड टू बी रिमूव्ड एज वेल. सो ये वेस्ट रिमूवल समझ में आ रहा है. नाइट्रोजन वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट जिसमें नाइट्रोजन रहेगा ही रहेगा, अमोनिया के फॉर्म में रहेगा, दूसरे फॉर्म में रहेगा. कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो हम ऑलमोस्ट रेस्पिरेशन में रिलीज करते ही हैं, प्लस वाटर वेपर, प्लस मेडिसिन. वी विल प्राइमरीली इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. ठीक है, सो नाइट्रोजनस वेस्ट हाउ इट इज रिमूव्ड और व्हाट आर द कंटेंट्स इन इट, व्हाट आर द ऑर्गन्स व्हिच आर पार्टिसिपेटिंग इन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ये सारी चीजों को हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, देयर आर सर्टेन पिगमेंट्स व्हिच नीड टू बी रिलीज्ड एज वेल. सर्टेन पिगमेंट्स मतलब हमारे बॉडी में कुछ पिगमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं या हमारे बॉडी में आते भी हैं जिनका रिमूवल जरूरी है. ठीक है, सो देयर आर सर्टेन पिगमेंट्स व्हिच आर नीड टू बी रिमूव्ड एज वेल एंड there are certain excess of vitamins, these also need to be removed. okay, excess of vitamins मतलब हमारे body में कुछ vitamins का एक percentage होना चाहिए, उससे ज़्यादा हमको ज़रूरत नहीं है. ठीक है, कोई भी चीज़ हमारे body में excess नहीं होना चाहिए. ये vitamins जो है तो इनका भी removal ज़रूरी है, they also are removed as waste. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा vitamins खाएंगे तो आपका body ज़्यादा vitamins को retain करेगा, जितना ज़रूरत है उतना ही retain करेगा. प्राइमरी हमारे फूड में से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स रिटेन होते हैं, वाइटामिन्स का बहुत एक कम परसेंटेज रिटेन होता है. वाइटामिन्स आर नेसेसरी फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ बट जितना ज़रूरी है उतना ही रिटेन होना चाहिए, बाकी का जाना चाहिए.
ठीक है. सो दीज विटामिन्स आर जनरली वाटर सोल्युबल, ठीक है. जितने भी विटामिन्स होते हैं जनरली दे आर वाटर सोल्युबल एंड दे आर ऑल्सो रिमूव्ड एज वेस्ट. सो वेस्ट आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. वी आर प्राइमरली गोइंग टू टॉक अबाउट द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, वाटर वेपर और वाटर, मेडिसिन, एक्सेस ऑफ विटामिन्स, पिगमेंट्स, दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट, ठीक है. ओके, अभी देखिए ये फॉर्मेशन ऑफ वेस्ट होता कैसे है, ठीक है. हाउ डज द फॉर्मेशन ऑफ वेस्ट टेक प्लेस. तो फॉर्मेशन ऑफ वेस्ट जो है एक नेचुरल प्रोसेस है. हमारे जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, ऑल द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, जितने भी प्रोसेसेस होते हैं जो मेटाबॉलिक होते हैं, मेटाबॉलिक मींस बेसिकली अगर हम देखेंगे एक्सटर्नल प्रोसेस, तो हम अगर फॉर्मेशन ऑफ वेस्ट को डिवाइड करें, दिस कैन बी ईदर एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है. एक्सटर्नल हो सकता है या इंटरनल हो सकता है. एक्सटर्नल मतलब व्हाट इज एक्सटर्नल? एक्सटर्नल मींस हम जब जो फूड इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, व्हाटएवर इनटेक ऑफ फूड इज हैपनिंग विद इन अस, व्हाटएवर फूड वी आर टेकिंग इन, इसमें से जो वेस्ट जनरेट होता है, ठीक है, व्हाटएवर वेस्ट इज जनरेटेड फ्रॉम दिस, ठीक है, वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम फूड, दिस इज नोन एज एक्सटर्नल, ठीक है. हमारे बॉडी में वेस्ट जो फूड से जनरेट हो रहा है, एक्सटर्नल इनपुट हुआ है हमारे बॉडी में, हमने कोई फूड लिया हुआ है, उससे जो वेस्ट जनरेट होता है उसको हम एक्सटर्नल वेस्ट बोलेंगे, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वेस्ट. दूसरा हमारा जो वेस्ट है दैट इज इंटरनल, दैट इज इंटरनल. व्हाट टाइप ऑफ इंटरनल वेस्ट आर वी टॉकिंग अबाउट हियर? कौन से इंटरनल वेस्ट हो सकते हैं? जैसे हमारे बॉडी में न्यूक्लिक एसिड्स जनरेट होते हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स जनरेट होते हैं, ये हमारे बॉडी का इंटरनल प्रोसेस से जनरेशन हो रहा है, ये हम इनटेक नहीं कर रहे हैं. हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं और ये बाई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन जितना यूटिलाइज होना चाहिए उतना ही यूटिलाइज होना चाहिए, बाकी का वेस्ट से रिमूव हो जाता है, ठीक है. तो न्यूक्लिक एसिड्स आर एन इंटरनल वेस्ट, ये हमारे बॉडी के इंटरनल प्रोसेसेस से जनरेट हो रहा है, और जो हमारे बॉडी के एक्सटर्नल प्रोसेस से कंज्यूम होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल वेस्ट, ठीक है, समझ आ रही है. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट. ओके, अभी देखिए यहाँ पे हमारा जो वेस्ट है हाउ मेनी टाइप्स, ये तो हमने पढ़ा, लेकिन हमारा जो वेस्ट है प्राइमरीली इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स, ठीक है. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेस्ट. वन इज कॉल्ड अमोनिया, दिस इज द प्राइमरी वेस्ट, ठीक है. देन वी हैव यूरिक एसिड, ठीक है, एंड देन वी हैव यूरिया. दीज आर द थ्री प्राइमरी वेस्ट. ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन तीनों में से कोई एक वेस्ट जनरेट करते हैं, या दो टाइप के वेस्ट जनरेट करते हैं, या तीनों के तीनों टाइप के वेस्ट जनरेट करते हैं. और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो क्लासिफिकेशन होता है वो उनके वेस्ट जनरेशन पे भी होता है, ठीक है. सो या तो ये तीनों के तीनों जनरेट करेंगे, इधर दे विल जनरेट ऑल द थ्री फॉर्म्स ऑफ वेस्ट एंड देयर बॉडी इज केपेबल ऑफ एक्सक्रीटिंग ऑल दीज थ्री फॉर्म्स ऑफ वेस्ट, और देयर बॉडी इज जस्ट केपेबल ऑफ एक्सक्रीटिंग वन फॉर्म ऑफ वेस्ट, और देयर बॉडी इज केपेबल ऑफ एक्सक्रीटिंग टू फॉर्म्स ऑफ वेस्ट, और सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है. डिफरेंट कॉम्बिनेशन आर देयर फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. तो ये जो वेस्ट जनरेशन है, ठीक है, या अमोनिया का हो सकता है, यूरिक एसिड भी हो सकता है, और यूरिया भी हो सकता है. सो दीज आर द थ्री फॉर्म्स इन विच वेस्ट इज जनरेटेड इन आवर बॉडी एंड इज एक्सक्रीटेड अकॉर्डिंगली एज वेल, ठीक है, समझ में आ रही है. ओके.